आजसू प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर मंगलवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सामाजिक न्याय सभा सह उपवास कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य पिछड़ा आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए 27% आरक्षण देने एवं अनुसूचित जिलों में रोस्टर के हिसाब से आरक्षण देने की मांग की है। विदित हो कि पिछड़ा आयोग ने राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 72% बताते हुए पिछड़ों को राज्य में आरक्षण का लाभ देने की अनुशंसा की है, जहां प्रदेश आजसू के निर्देश पर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इससे पूर्व धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा जा चुका है। मंगलवार को भी उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया है। इसके माध्यम से उन्होंने राज्य में ओबीसी को 27% आरक्षण, राज्य में जातीय जनगणना और मनरेगा के माध्यम से ओबीसी को भी रोजगार मुहैया कराए जाने की मांग की है। भारतवर्ष में ओबीसी की आबादी आधे से ज्यादा है और आधे से ज्यादा होने के बावजूद तमाम पिछड़ी जातियों के साथ सामाजिक अन्याय जो लंबे समय से होते आ रहा है, इसमें आजसू पार्टी ये मांग कर रही है कि सरकार अविलंब पिछड़ी जातियों का सर्वे अविलंब कराए और इनको जो वाजिब हक है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, इनको आरक्षण में इनको 27% का भागीदारी मिले। साथ ही साथ अन्य जातियों का जो जाति प्रमाण पत्र एक बार निर्गत होने से आजीवन मान्य होता है, उसी प्रकार ओबीसी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र एक बार जो निर्गत होगा वो आजीवन मान्य हो। और साथ ही साथ जो मनरेगा मजदूरी में जो ओबीसी के साथ जो जातीय भेदभाव जो हो रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए और सभी जाति जो ST SC OBC जनरल सभी को एक साथ मजदूरी भुगतान किया जाए, क्योंकि मजदूर तो मजदूर होते हैं, मजदूर का कोई जात नहीं होता है, इसलिए जातीय भेदभाव बंद हो। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।